हे गाइस, वेलकम टू फेटेक। आ गए काफी कमाल के टेक अपडेट्स को लेके। वैसे गाइस शुरू करते हैं। आज सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है टेक्नो की तरफ से कैमन 20 और कैमन 20 प्रो, ये दो फोन्स को लॉन्च कर दिया गया इंडिया में। गाइस दोनों ही फोन अच्छे हैं। यहाँ पे दोनों फोन्स के अंदर काफी सारे फीचर जो है वो सिमिलर है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। तो दोनों ही फोन में 6.67 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों फोन में अलग अलग है। जो कैमन 20 है इसके अंदर आपको मिलता है मेटा हीलियो G85, और यहां पर बात करते हैं बड़े वाले की, प्रो वाले मॉडल की, तो इसके अंदर आपको मिलता है मेटा डायमेंसिटी 8050 जो कि 5G प्रोसेसर है और काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर बात करते हैं यहां पर कैमरा सेटअप की, तो दोनों ही फोन में मेन सेंसर आता है 64 मेगापिक्सल का, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है, लेकिन थर्ड कैमरा जो है वो दोनों ही फोन में अलग अलग है। जो प्रो मॉडल है उसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है, लेकिन जो सिंपल वाला मॉडल है उसमें आपको QVGA कैमरा लेंस मिल जाता है, जो कि क्वालिटी मतलब ठीक ठाक होती है उसकी। अगर बात करते हैं फ्रंट की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। यहां पर अगर बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की, तो दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं 33 वाट का फास्ट चार्जर, लेकिन जो कैमन 20 है सिंपल वाला उसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर इनबॉक्स मिलने वाला है। अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है दोनों ही फोन्स के अंदर। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा सिमिलर भी है और काफी ज्यादा यूनिक भी है, काफी अच्छे फोन्स हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर इनके प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो प्रो वाला मॉडल है 19999 में लॉन्च किया गया है कंपनी की तरफ से, 8GB 120GB का वेरियंट। इसमें एक बड़ा वेरियंट भी आता है 8GB 256GB का, जिसमें आपको प्राइस पड़ेगा 21999 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस भी ठीक है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अगर बात करते हैं कैमन 20 की, तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है 8GB 256GB का, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 14999 का। तो रैम रोम काफी अच्छी है, लेकिन इसका प्रोसेसर जो है वो छोटा है, वो 4G है। दोस्तों दोनों ही फोन जो है सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर जाने वाले हैं सेल पे। वैसे इनका एक और भाई आने वाला है टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर, लेकिन वो जून के लास्ट में एंड में जाके लॉन्च होगा, तो उसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी बताने का फायदा नहीं है क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। बाकी ये दोनों फोन आज लॉन्च हो चुके हैं, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे गाइस अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है BGMI लवर्स के लिए आ रहा है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देते मेरे वीडियोस में, iOS के लिए भी एंड्रॉइड के लिए भी, जिन्होंने डाउनलोड किया होगा उनको पता होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 29th को इनके सर्वर जो है वो ओपन हो जाएंगे, तो आज फाइनली इनके सर्वर जो है वो ओपन हो चुके हैं। आप गेम पर खेल सकते हो, परचेज बोलने वाला था, इन ऐप परचेज कर सकते हो, बाकी गेम को आप खेल सकते हो। अब गेम जो है वो लाइव हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए अभी भी नोटिफिकेशन के ऊपर स्टक है उनकी गेम जो है, बाकी अपडेट वगैरह आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहां पर आप बता दूं, अभी जो है टाइम लिमिट लग गई है, अगर आपकी एज जो है 18 से लेस है तो आप सिर्फ 3 घंटा ही खेल सकते हो BGMI को। इसमें शायद पेरेंटल कंट्रोल भी चाहिए, वेरिफिकेशन वगैरह भी चाहिए शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता। बाकी अगर बात करते हैं 18 प्लस वालों की, तो उनके लिए भी लिमिट है सिर्फ 6 घंटे। ये मैं एक दिन का बोल रहा हूँ, एक दिन के अंदर आप जो 18 से प्लस हैं वो 6 घंटा खेल सकते हैं, और जो 18 से छोटे हैं वो 3 घंटा खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये इसके अंदर आपको एक नूसा नाम का नया मैप आ चुका है, NUSA नूसा। दोस्तों ये काफी ज्यादा छोटा मैप है और ये अवेलेबल है, आप लोग इसको खेल के देखिए कैसा लग रहा है दिखने में। वैसे मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया गेम को। वैसे इसी के साथ मैं आपको बता दूं, गेम में आपको नए फ्री आउटफिट्स भी मिल रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं अपडेट किया गेम को, अगर पास ऑलरेडी थी या फिर आपने नहीं डाउनलोड किया है, तो जाइए कीजिए, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं मिल रही है, तो मेरी जो एक वीडियो थी कुछ दिन पहले की मैंने बनाई थी, उसके अंदर आपको दोनों ही लिंक मिल जाएंगे, iOS का भी और एंड्रॉइड का भी, तो आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस बाकी बात करते हैं बोट की, तो बोट की तरफ से रॉक्सर 255 इनके नेकबैंड्स हैं, आई लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। 14999 का इनका प्राइस टैग रखा गया है। इनके अंदर आपको मिलता है 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम टोटल फुल चार्ज होने के ऊपर। वैसे 10 मिनट चार्ज करने पे आपको 10 आवर का प्लेबैक टाइम दे देते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे आप बता दूं, इनके अंदर आपको 10mm का डायनेमिक ग्रेफाइन ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि 10mm का है। वैसे 5.3 की कनेक्टिविटी आती है ब्लूटूथ की, जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी ही। वैसे इस एप्पल की तरफ से WWDC जो इनका वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पर आप बता दूं इसकी डेट सामने निकल के आ गई है, 5th जून से लेके 9th जून के बीच में होने वाली है। और सबसे ज्यादा मेन फोकस हम सबका एक ही चीज पे रहने वाला है, इनके वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स। आप देखते हैं एप्पल लॉन्च करता है या नहीं करता, वैसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार की लॉन्च हो जाएगा। वैसे गाइस iQOO की तरफ से नियो 7 प्रो जो है ये कंफर्म हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि ये जून में इंडिया में आ सकता है, ये काफी अच्छी बात है, हो सकता है जून के एंड तक आ जाए।
यहां पे आप बता दूं इसमें 8 प्लस जेनवन देखने को मिलने वाला है जो कि अच्छी बात है। यहां पर आपको 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी, 120 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा और 50 मेगापिक्सल का मेन ओएस कैमरा सेटअप होने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है। वैसे 8 जेन वन है, काफी अच्छी बात है। लेट्स सी कि क्या प्राइसिंग आती है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे गाइस Amazon की तरफ से अच्छा अपडेट नहीं निकल के आ रहा है। बेसिकली Amazon जो है वो अपने प्राइस हाइक कर रहा है जो उनके सेलर्स हैं उनके लिए, यानी कि अभी जो है अभी तक क्या होता है कि एक आपको बता दूं परसेंटेज सेट होती है कि आपको Amazon के ऊपर कुछ सेल करना है तो कुछ परसेंट जो है सेलर को Amazon को देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, किसी के ऊपर 5% होता है, किसी के ऊपर 4% होता है, किसी पे थोड़ा ज्यादा होता है। अभी जो है करंटली मेडिसिन वगैरह के ऊपर जो पहले 5% चलता था अब वो 12% होने वाला है सीधे डायरेक्टली, तो अभी जो है चीजें महंगी होने वाली हैं। इसके ऊपर कॉस्मेटिक वगैरह के ऊपर भी बताया जा रहा है कुछ 3-4% बढ़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि Amazon के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा महंगे हो सकते हैं क्योंकि Amazon जो है सेलर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और भी ज्यादा प्राइस बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि हमें जो प्राइसिंग है वो अब महंगी लगे Amazon के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये फैसला थोड़ा सा ज्यादा मतलब गलत लग रहा है मुझे। फ्लिपकार्ट ने शुरू किया था कि आपको सेल फी देनी पड़ेगी जो 10 रुपीज वगैरह देने की थी, वो तो फिर भी 10 रुपए है, ये Amazon ने तो डायरेक्ट परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा दिया वो भी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे गाइस बात करते हैं GTA की, GTA की तरफ से दोस्तों GTA 6 आने वाली है बहुत ही जल्दी। ऐसा अपडेट निकल के आया है कि इस बार जो इसका मैप होने वाला है वो बहुत ही सीरियसली बड़ा होने वाला है। मतलब आप लोग यहाँ कंपेयर कीजिए, मतलब यहाँ पे मैं छोटी सी इमेज दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कैसा लग रहा है दिखने में, जो एक साइड में आप छोटा सा मैप देख रहे हो वो GTA 5 का, और जो आगे इतना बड़ा मैप है वो GTA 6 का है। यानी कि GTA 6 इस बार बहुत ही ज्यादा वाइड होने वाली है। लेट्स सी कि और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। क्या आप लोग GTA खेलते हो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है Realme के सब ब्रांड दोस्तों डीजो की तरफ से। दोस्तों डीजो जो है वो इस टाइम खतरे में चल रहा है। बेसिकली डीजो के जो सर्वर है वो स्टॉप हो चुके हैं, बहुत सारे यूजर्स ने जो है उनकी ऐप में लॉगिन वगैरह करने की कोशिश की तो स्टॉप सर्वर का ऑप्शन आ गया, मतलब नहीं चल रहे सर्वर वगैरह उनके। प्लस उनके जो CEO है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ऐसा लग रहा है इन नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी शायद डीजो जो है वो शट डाउन हो जाएगी। दोस्तों ये काफी बुरी चीज होती है जब एक कंपनी शट डाउन हो जाती है, इतने लोग काम करते हैं, बहुत बुरी चीज है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और ये ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगी, बहुत ही जल्दी ये शट डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों आज के टेक अपडेट्स को करते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।